महासमुंद जिले के वसना पुलिस ने गांजा तस्कर पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 20 लाख रुपए का गांजा सहित एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी महासमुंद जिले के NH-53 से स्विफ्ट कार में CG-04 NA-5305 से उड़ीसा प्रांत से गांजा की तस्करी लेकर जा रहा था, जिसे बसना पुलिस ने 1 क्विंटल गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया। 1 क्विंटल गांजे की कीमत 20 लाख रुपए आकी जा रही है। गांजा राजेंद्र कहार उरला थाना रायपुर निवासी के कब्जे से बरामद कर गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ 20 ख नारकोटिक एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए मामले को जांच में लिया गया है। बसना पुलिस और साइबर की टीम द्वारा वाहन चेकिंग की जा रही थी और मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई थी कि एक कार है जिसमें भारी मात्रा में गांजा परिवहन किया जा रहा है। इस सूचना पर हमारे द्वारा चेकिंग लगाई गई थी तो स्विफ्ट डिजायर जो कार है उस CG-04 NA-5305 इस कार में हमें 100 किलो गांजा जिसकी कीमत 20 लाख है ये मिला है। ये गांजा कहाँ से आ रही थी, कहाँ के लिए ले जा रही थी, जो ड्राइवर था वो कहाँ का था? इसमें जो ड्राइवर है श्याम देव, ये वार्ड नंबर 35 दुर्गा नगर बिरगांव थाना उरला रायपुर जिले का रहने वाला है और ये रायपुर की तरफ ले जा रहा था। किन धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है? इसमें 20B NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है।